नमस्कार दोस्तों, G2S Academy में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आयु पर आधारित प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि हमारे रीजनिंग और मैथ्स दोनों में ही यूज़फुल है। कोई भी एग्ज़ाम हो, या स्टेट लेवल हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, टेक्निकल नॉन टेक, किसी भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये चैप्टर मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, इसलिए चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कुछ आपको कंसेप्ट बताती हूँ। इसमें वैसे कोई खास बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आते हैं, बहुत नॉर्मल आते हैं जो सिर्फ हमें समझने होते हैं। इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताती हूँ, फिर उस पर बेस्ड में क्वेश्चन कराती हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। इसमें इसका जो सबसे बड़ा मेन कंसेप्ट है वो ये होता है कि हमें प्रेजेंट में दिया रहता है, जो कुछ भी दिया रहता है वो हमें प्रेजेंट में दिया रहता है। इस तरह ये हमारा हो गया यहाँ पर प्रेजेंट। अब हमको प्रेजेंट से हमें जाना है फ्यूचर, और प्रेजेंट से नीचे आया हमारा पास्ट। जब भी हमें प्रेजेंट में कुछ भी दिया हो और उससे हमें फ्यूचर का पूछा गया, जैसे साथ में प्रेजेंट में किसी की एज है एक्स वर्ष, प्रेजेंट एज दी गई, प्रेजेंट में राम की उम्र है 10 साल, हमने 10 साल मान ली, एक्स की जगह 10 मान लिया। अब उसके 5 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ? बाद से मतलब हुआ हमारा फ्यूचर, वो फ्यूचर पहुंच गया, आगे पहुंच गया, प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट से आगे हुआ, तो हमने इसको ऐसे आगे पहुंचाया। जब भी प्रेजेंट से हम फ्यूचर जाते हैं तब हमेशा उसमें प्लस होता है। तो जैसे ये मान लिया राम की उम्र है 10 वर्ष, अब इससे फ्यूचर पूछा गया, यानी कि 5 वर्ष बाद की उम्र पूछी गई यहाँ पर, 5 वर्ष बाद, तो इसमें क्या हो जाएगी, राम की उम्र 10 + 5 कितनी हो जाएगी, 15 साल। अगर यही पूछा जाता कि राम की उम्र 10 साल है, 5 वर्ष पहले उसकी उम्र कितना थी, यानी कि प्रेजेंट से हमें पास्ट में भेज दिया जाता, तब हमेशा माइनस होता है। जब भी हम प्रेजेंट से पास्ट में आते हैं तब हमेशा माइनस होता है, यानी कि 10 वर्ष से जब हम 5 वर्ष कम में आएंगे, 10 - 5 = 5, 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले मतलब पास्ट, बाद मतलब फ्यूचर, ये हो गया हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट से जब भी कुछ भी हमारा फ्यूचर में पूछा जाएगा, यानी कि बाद, तब हम प्लस कर देंगे, और जब बाद पहले का पूछा जाएगा तो हम उसमें पास्ट में जाने के लिए माइनस कर देंगे। इसका जस्ट अपोजिट भी होता है, कभी कभी हमको फ्यूचर एज दे दी जाती है, फ्यूचर से वो प्रेजेंट में लाता है। जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं तब हमारा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर के जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो जो हमारा प्रेजेंट होगा वो हमारा पास्ट बन जाएगा, फिर से हमारा वही कंसेप्ट हो जाएगा, प्रेजेंट टू पास्ट नेगेटिव। तो इसलिए जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं इस तरह से, तो वहाँ पर हमारा नेगेटिव हो जाता है। और जब फिर प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पास्ट में आते हैं, जिस तरह ये प्रेजेंट से पास्ट में आते हैं तो हमारा नेगेटिव हुआ, उसी तरह जब हम पास्ट में होते हैं, पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं इस तरह से, तो हमारा पॉजिटिव होता है। जैसे कभी कभी क्या करते हैं कि एज देते हैं 10 वर्ष पूर्व, किसी की एज 5 साल थी, तो आज उसकी एज क्या होगी, 10 वर्ष पूर्व उसकी एज 5 साल थी, यानी कि यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर वो कितना है, 5 वर्ष का, तो आज उसकी उम्र क्या होगी, हमें यहाँ पर ये जो हमारा ये 5 वर्ष दिया और ये डिस्टेंस पास्ट टू प्रेजेंट की जो डिस्टेंस है वो भी हमको दे दी यहाँ पर 10 वर्ष। तो हम आराम से समझ जाएंगे कि जब हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम 5 + 10 = 15 साल इस तरह से निकाल लेंगे। मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर में गए प्लस हुआ, फ्यूचर से प्रेजेंट में आए माइनस हुआ, प्रेजेंट से पास्ट में गए माइनस हुआ, पास्ट से प्रेजेंट में गए प्लस हुआ। सिर्फ इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है, फिर आप उसके बाद ये क्वेश्चंस अपने आप करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चंस की। इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं होता, बस इतनी छोटी सी बातें होती जो आपको समझनी है, अगर आप ये समझ गए तो अपने आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं हम, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले राजन की आज की उम्र मानते हैं, हम प्रेजेंट से चलना स्टार्ट करते हैं। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, तो राजन की आयु कितनी मान लेते हैं हम,
हम यहाँ पर पिता की आयु भी मान सकते थे। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते तो हम पिता की आयु से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्या होता है, हम हमेशा छोटी इकाई मानते हैं। छोटी इकाई से हमें कुछ भी प्लस या माइनस करने में आसानी होती है। अगर हम बड़ी इकाई मान लेंगे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। राजन की उम्र मान ली, राजन की आयु हमने मान ली एक्स वर्ष, हमें कोई नंबर नहीं दिया, हमने एक्स मान ली डायरेक्ट। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। अब पिता की आयु कितनी हो गई, पिता की आयु हो गई, राजन के पिता राजन से 20 वर्ष बड़े हैं। राजन जब अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, पिता राजन से 20 वर्ष बड़े हो गए, तो पिता की आयु हो गई एक्स प्लस 20 वर्ष। अब क्या उसने कहा है, पाँच वर्ष पूर्व। फिर उसने क्या बताया, पाँच वर्ष पूर्व पास्ट की बात कर दी, उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। हमने क्या बताया, जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर हम प्रेजेंट से फ्यूचर में गए इसलिए हमने प्लस किया, जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे। पाँच वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। पाँच वर्ष पूर्व पहले हम राजन की आयु देखते हैं, पाँच वर्ष पूर्व राजन की आयु, पाँच वर्ष पूर्व राजन की आयु कितनी हो जाएगी, माइनस किया हमने एक्स माइनस 5, तो राजन के पिता पाँच वर्ष पूर्व राजन के पिता कितने हो जाएंगे, राजन के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स प्लस 20। एक्स प्लस 20 वर्तमान आयु हो, उससे हम 5 माइनस करेंगे क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात पूछ रहा, तो राजन के पिता की उम्र कितनी आ गई, एक्स माइनस 15। एक्स प्लस 15 क्योंकि एक्स प्लस 20 है राजन के पिता की आयु, उससे 5 माइनस किया हमने, तो 20 माइनस 5 बराबर 15, एक्स प्लस 15 राजन के पिता की आयु हो गई। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब हमको दो इक्वेशन मिल गई, एक ये एक ये, बस इन दोनों को लेके हमको सॉल्व करना है जिससे हमें पता चल जाएगा। पाँच वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। अब पाँच वर्ष पूर्व राजन और पाँच वर्ष पूर्व राजन के पिता को हम बराबर कर देते हैं। पाँच वर्ष पूर्व राजन एक्स माइनस 5 और पाँच वर्ष पूर्व राजन के पिता एक्स प्लस 15। पाँच वर्ष पूर्व राजन एक्स माइनस 5, पाँच वर्ष पूर्व राजन के पिता एक्स प्लस 15। अब हमें इन दोनों को बराबर करना, ऐसे देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाँच वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, यानी कि राजन उनसे 3 गुना छोटा है। अगर हम चाहें तो इनको बराबर करने के लिए या तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और या फिर इसको 3 से डिवाइड कर दें, दोनों ही तरीक़ों से दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये 3 गुना है, इसको 3 से डिवाइड करें इसके बराबर हो जाएगा, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 3x माइनस 15 स्क्वल एक्स प्लस 15 हमने सॉल्व किया। 3x एक्स इधर आया, 3x माइनस एक्स प्लस का 15 है, ये 15 माइनस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 3x से x गया 2x बराबर 30, x बराबर 30 बाई 2 इक्वल 15, ये वैल्यू आई x की। अब हमको देखना है हमसे पूछा क्या गया है, x कौन था, x था राजन, हमें राजन की उम्र पता चल गई, राजन की उम्र x थी, x की वैल्यू आई 15, राजन की उम्र पता चल गई। अब हम राजन की उम्र से पिता की आयु निकालते हैं। हमसे पूछा गया है राजन के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो, राजन के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस 20, x प्लस 20 है, x की वैल्यू 15 आई, 15 प्लस 20 इक्वल 35। इस तरह से हमको राजन के पिता की वर्तमान उम्र मिल गई। हमने यहाँ पर सिर्फ x लेके इसको सॉल्व किया जिससे हमारा थोड़ा इजी हो गया। अगर हम चाहते इसको तो यहाँ पर y भी कर सकते थे जिससे हमें दो कांस्टेंट मिलते, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारे स्टेप ना बढ़ जाते जब y करते, इसलिए सिर्फ हमने छोटा करने के लिए x मान के पूरा सॉल्व कर लिया। इस तरह से ये सॉल्व हो गया, हमारा आंसर सी सही है, 35 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:1 है, तदनुसार पुत्र की आयु कितनी है,
इसमें एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष दी गई है तथा उनकी आयु का अनुपात भी दिया गया है। अनुपात वाले क्वेश्चन देखिए इस तरह से करते हैं, जैसे उनकी आयु का अनुपात 10:1 दिया है तो सबसे पहले हम इसमें x का मल्टीप्लाई कर देते हैं अनुपात को ख़त्म करने के लिए। तो पिता कितना हो गया, पिता हो गया 10x, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा अनुपात ख़त्म हो गया, और पुत्र हो गया वहीं पर 1x। क्यों? क्योंकि अनुपात 10:1 दिया है, पिता 10 पुत्र 1, पिता 10x पुत्र 1x, और उनकी औसत आयु भी दी गई है 22 वर्ष। हम लोग जानते हैं औसत का मतलब होता है जितने नंबर्स का औसत हुआ उनको पहले हमने जितना भी दिया ऐड किया अपॉन डिवाइड कर देते हैं उतने नंबर से, ये होता है हमारा औसत। इसमें पिता तथा पुत्र इन दोनों की औसत आयु दे दी गई, यानी कि पिता और पुत्र की आयु का योग बटे 2, क्योंकि 2 लोग हैं, एक पिता एक पुत्र। तो इस तरह इनकी औसत आयु दी गई है हमारी, औसत आयु दी गई है हमारी 22 वर्ष। इनका औसत निकालेंगे, पिता और पुत्र का औसत। औसत कैसे निकलेगा, औसत में पिता की आयु और पुत्र की आयु जोड़ देंगे, औसत हुआ हमारा 10x प्लस 1x अपॉन पिता पुत्र 2 लोग डिवाइडेड बाई 2 इक्वल पिता और पुत्र की औसत आयु, औसत दी गई है 22 वर्ष, बराबर 22 के ये बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने औसत किया, औसत 22, औसत पहले से ही दिया गया तो 22 के दोनों बराबर हो जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 और 1 11x अपॉन 2 बराबर 22। अब हमने पढ़ा हुआ है ऐसे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इक्वल के वन साइड अपॉन में हो या दोनों साइड अपॉन में तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाए, 11x बराबर 22 दूनी 44, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 44/11 बराबर 4 वर्ष। इसमें उम्र पूछी किसकी गई है, तो तदनुसार उनके पुत्र की आयु कितनी आई, पुत्र की आयु इस तरह से आ गई हमारी 4 वर्ष। वैसे इसमें ऑप्शन भी दे रखे थे लेकिन मैंने ऑप्शन यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, आप चाहो तो ऑप्शन भी इसमें 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष इस तरह से इसमें ऑप्शन करके दिया रहता है। तो ऑप्शन हमारा आंसर आ गया 4 वर्ष। वहीं पर अगर पुत्र की जगह पिता की आयु पूछ दी जाती, ये तो हमारी पुत्र की आयु आ गई 4 वर्ष, इसकी जगह अगर पिता की आयु पूछ दी जाती तो एक्स की जगह 4 लिख के हम पिता की आयु भी निकाल सकते थे इस तरह से 40 वर्ष। तो हमें इस तरह से दोनों की आयु पता चल गई। हम इनको चेक भी कर सकते हैं, देखते हैं इनका अनुपात 10:10 आता है कि नहीं है। पिता हुआ 40, पुत्र हुआ 10, देखते हैं कितना आया, पुत्र है हमारा 4 है 10:1, जिससे हमें पता चल गया कि हमारा आंसर जो है वो सही है। और वैसे भी हम ऑप्शन देख के भी जान जाएंगे, बाकी के 3 ऑप्शन होंगे वो जब आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आएंगे ही नहीं, बस आप सॉल्व अच्छे से सीक्वेंस से करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, बहुत बड़ा सा सॉल्व होगा ये, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी होगी। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, जयेश इसका मतलब जयेश अनिल से छोटा है, ये हमें पता चल गया। इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, अनिल। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, पहले तो इतनी इस लाइन को हम सॉल्व करते हैं। हम इसमें xx नहीं मानते हैं, xx मानने का मतलब है इसमें कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 3 लोग हैं जयेश अनिल और प्रशांत, तो इसमें कांस्टेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। हम इसको बहुत छोटे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल। जयेश के लिए मैं j कर दूंगी, अनिल के लिए a और प्रशांत के लिए p, इससे आप समझे जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। a अनिल माइनस j जयेश इक्वल, अब कितना छोटा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, मतलब जयेश जो है अनिल से तो छोटा है लेकिन प्रशांत से वह बड़ा है, ये भी हमको पता चल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे माइनस पी, क्योंकि जयेश अनिल से छोटा और प्रशांत से बड़ा है, ये भी बता दिया कि दोनों बराबर, जितना जयेश अनिल से छोटा है उतना ही जयेश प्रशांत से बड़ा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, तो इनके बीच में हम इक्वल साइन लगा सकते हैं बहुत आराम से। तो a माइनस जे इक्वल जे माइनस पी, इतना हमको मिल गया। हम इसको पहले सॉल्व कर लें,
ए माइनस जे, जे को इधर ले आए, जे इधर पॉजिटिव है, इधर आके जे नेगेटिव हो जाएगा, जे माइनस का पी उधर रहने देते हैं। ये कितना हो गया, ए माइनस टू जे इसक्वल माइनस पी, माइनस के पी को इधर ले आते हैं, माइनस टू जे को उधर ले जाते हैं, तो हमारी इक्वेशन सही बन जाएगी। यहाँ माइनस है, ये अकेला है, तो ए माइनस ए प्लस पी इसक्वल टू जे। ये माइनस का पी इधर आएगा तो ये प्लस का पी हो जाएगा, ए प्लस पी इसक्वल टू जे, माइनस का है, टू जे उधर जाएगा तो प्लस का, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन हमको मिल गई। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, अनिल तथा प्रशांत यानी कि ए प्लस पी, ए प्लस पी की वैल्यू इसमें दे दी गई, अनिल तथा प्रशांत दोनों की आयु का योग दिया है 48 वर्ष, ए प्लस पी की वैल्यू इसने कितनी दे दी, 48 वर्ष। यहाँ से हमको ए प्लस पी की वैल्यू पता चल गई। अब हम ए प्लस पी की वैल्यू, ये इक्वेशन जो बनी हमारी वन, उसमें रख कर सॉल्व करते हैं। ए प्लस पी की जगह कितना लिखते हैं, 48 इक्वल टू जे। अब जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 24। हमें यहाँ पर जे मतलब जयेश की उम्र पता चल गई 24 वर्ष, तो उसने जयेश की उम्र पूछी थी, जयेश की आयु क्या होगी, तो इससे हम बता सकते हैं कि जयेश की आयु हो गई 24 वर्ष। अगर जयेश की जगह अनिल या प्रशांत की पूछता तो भी हम बता सकते थे, किसी भी क्वेश्चन में उनकी वैल्यू रख के निकाल सकते थे, हमारा निकल आता बहुत आसानी के साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन उसने जयेश की पूछी, इसलिए हमने जयेश की उम्र उसमें बता दी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।